हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने लेस्टर के लिए एक गोल्डन कार जो कि एक बंदे ने खरीदी थी उसको हम डिलीवर करके आए थे, और लेस्टर का उसके साथ ऑनलाइन पेमेंट भी हो चुका था। तो अभी हमें लेस्टर का कॉल आ चुका है, अभी हमें वो जो $50 मिलियन की जो कार बिकी थी उसमें से 25% जो लेस्टर ने हमें बोला था वो हमें भी लेने जाना है। सबसे पहले मैं मेरी कार ले लेता हूँ, और लेस्टर ने हमें एक लोकेशन दी है, वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पर। ओके गाइस, तो हमने लोकेशन मार्क कर ली है, अभी हम फटाफट से उस जगह पर पहुँच जाते हैं और लेस्टर से 25% पैसे लेकर डायरेक्ट हम एक बाइक की शॉप है जो कि वो बंदा सब बाइक बाहर से इंपोर्ट करवाता है, डायरेक्ट हम उसके पास ही पहुंच जाने वाले हैं और वहां से कोई एक अच्छी बाइक हमारे लिए लेने वाले है। सबसे पहले हम लेस्टर के पास पहुंच जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं लेस्टर के पास। सबसे पहले हम लेस्टर से हमारा जो पैसा है वो लेकर डायरेक्ट हम एक बाइक वाले के पास चले जाने वाले हैं एक न्यू बाइक खरीदने के लिए। सबसे पहले हम लेस्टर के पास पहुंच जाते हैं। ओके गाइस, तो हम लेस्टर के पास पहुंच चुके हैं। ये खड़ा लेस्टर फोन में बात कर रहा है किसी के साथ। मैं मेरी गाड़ी यहाँ पार्क कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी फटाफट से हम पहले लेस्टर के पास से हमारे जो 25% 50 मिलियन के है वो ले लेते हैं। मैं लेस्टर के साथ अभी बात कर लेता हूँ, वो फोन रखे तो। ओके गाइस, तो मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है, उसने हमें 50% 50 मिलियन का दे दिया है। अभी हम फटाफट से चलते हैं उस बाइक वाले के घर पर जहाँ पर उसने सब बाइक्स रखी हुई है। यहाँ से लेस्टर अपने आप अपने घर चला जाएगा। सबसे पहले अभी हम चलते हैं कार रिपेयर की शॉप पर। ओके गाइस, तो हमें 25% 50 मिलियन में से मिल चुका है। अभी हम फटाफट से बाइक खरीदने चलते हैं। बाइक वाले का घर का लोकेशन भी लेस्टर ने हमें दे दिया है, जो कि एक लेस्टर का फ्रेंड है जो कि इंडिया से बाइक्स इंपोर्ट करवाता है और यहाँ के कंट्री की भी बाइक्स रखता है। सबसे पहले हम चलते हैं उस बंदे के पास। उस बंदे का घर यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है, इसीलिए हमें जाने में थोड़ी देर लगेगी। ओके गाइस, तो अभी हम उस बंदे के घर पर पहुंचने ही वाले हैं। बस यहाँ से मुझे राइट लेना है
आगे से। ओके गाइस, तो उस बंदे का घर आ चुका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी 4 बाइक्स रखी हुई है। सबसे पहले मैं मेरी कार यहाँ लगा देता हूँ और सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी बाइक है। ओके गाइस, तो ये है KTM RC 390 जो कि इंडिया से इंपोर्ट की गई है। सबसे पहले मैं उस बंदे से बात कर लेता हूँ जो कि अंदर खड़ा है। ओके गाइस, तो मैं अंदर आ चुका हूँ और ये भैया बंदा फ़ोन में अभी बात कर रहा है, मैं थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है, हमने इससे KTM RC ख़रीद ली है, लेकिन अभी हमने उसको कहा है कि हम सिर्फ पहले एक राइड लेकर आते हैं, फिर तुम्हें आके पेमेंट कर देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं राइड करने के लिए। ओके गाइस, तो मैं बाहर आ चुका हूँ, सबसे पहले हम KTM RC लेकर एक राइड पर जाने वाले हैं। ओके गाइस, फुल मॉडिफाइड है KTM RC। सबसे पहले छोटी सी राइड लेकर आते हैं। ओके गाइस, बाइक परफेक्ट है और इस बाइक के ऊपर अभी हम लॉस सैंटोस कस्टम में ले जाकर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करवानी पड़ेगी। ओके गाइस, तो मैं उस बंदे से जाकर बात कर लेता हूँ और उसको मैं पूछ लेता हूँ कि ये बाइक कितने की है। ओके गाइस, तो मेरी उस बंदे से बात हो चुकी है, इस बंदे ने कहा है कि ये हमें 250 लाख में ये बाइक बेचने वाला है, 250 लाख डॉलर। सबसे पहले हम इसको पेमेंट कर देते हैं, इसी में से हम पैसे इसको दे देते हैं। ओके गाइस, तो मैंने इस बंदे को पेमेंट कर दी है और उसने हमें बाइक की परमिशन दे दी है जाने के लिए। तो सबसे पहले हम बाइक लेकर चलते हैं हमारे घर पर और इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ये वाली KTM RC जो कि हमने इस बंदे से खरीदी है, जिसकी मैं हेडलाइट्स आपको दिखा देता हूँ। इसकी हेडलाइट्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं लोकेशन मेरे घर की मार्क कर लेता हूँ और हम इसको हमारे गैराज में ही पार्क कर देने वाले हैं। ओके गाइस, तो लोकेशन मैंने मार्क कर ली है, अभी हम फटाफट से चलते हैं हमारी KTM RC को लेकर हमारे घर पर। ओके गाइस, तो आप साइड में माइकल का घर देख रहे हैं, तो फिलहाल अभी हम हमारी KTM RC माइकल के घर में ही पार्क कर देते हैं। माइकल हमें कुछ कहने नहीं वाला, सबसे पहले मैं KTM RC यहाँ बाहर लगा देता हूँ। माइकल को मैं कॉल करके बता दूंगा कि ये हमारी KTM RC अंदर ले लेगा। सबसे पहले मैं माइकल को कॉल कर लेता हूँ। ये रहा माइकल, मैंने माइकल को कॉल कर दिया है। ओके गाइस, तो मेरी माइकल से बात हो चुकी है, उसने मैं बोला है कि तुम जाओ, मैं KTM RC अंदर ले लूँगा। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं हमारे घर पर। तो ओके गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।